Hi, my name is Shlya Stylez. I am a XXX adult film starlet. दोस्तों शैलिया स्टाइल्स जो कि कनेडियन पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस हैं उनका जन्म 23 सितंबर 1982 को हुआ और 9 नवंबर 2017 को इस फेमस एक्ट्रेस की मौत हो जाती है। तो दोस्तों क्या था इनकी मौत का कारण जो शैलिया इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब शैलिया को अपनी टीनेज में एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने में इंटरेस्ट आने लगा और इसी वजह से वो वैंकूवर चली गईं जहां शैलिया ने एक स्ट्रिपर और वेबकैम मॉडल दोनों के तौर पर काम किया और इसके साथ वो न्यूड पिक्चर्स में भी काम करने लगीं। दोस्तों शैलिया अपने खाली समय में ईमेल्स और फ़ोन से स्टूडियोस के साथ कनेक्ट करती रहतीं कि कैसे वो फिल्मी दुनिया में जा सकती हैं। That's how long ago was it? I was going on the back of the covers. I was trying to email companies and trying to make my way to the United States to be part of this business. 2003 में शैलिया ने अपना पहला नॉमिनेशन द बेस्ट न्यू स्टारलेट के लिए हासिल किया। दोस्तों 2002 में शैलिया ने जिल कैली प्रोडक्शन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ बॉब फ्रेडलैंड के साथ 25 अक्टूबर 2002 को शैलिया स्टाइल्स ने शादी की, पर बदकिस्मती से इनका रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और अगस्त 2003 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन बॉब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट शैलिया के साथ खत्म नहीं किया जिसके कारण शैलिया का किसी और प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम करना असंभव था। सितंबर 2004 में वो माइकल व्हाइटकेयर से मिली जिसने उनको लेट नाइट सॉफ्टकोर की ए सीरीज में कास्ट किया। दोस्तों अगस्त 2005 में जिल कैली प्रोडक्शंस ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया और 2009 में शैलिया को XRCO अवार्ड्स में बेस्ट कमबैक के लिए नॉमिनेट किया गया। उसी साल स्टाइल्स को एवियन अवार्ड्स में बहुत सारे नॉमिनेशन हासिल हुए जैसे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट टीज परफॉर्मेंस। 2010 में मैक्सिन नाम की मैगजीन ने स्टाइल्स का नाम टॉप 12 फीमेल पॉर्न स्टार्स में शामिल किया। 2011 और 2016 में एवियन और अर्बन एक्स अवार्ड्स की तरफ से शैलिया स्टाइल्स को रिस्पेक्टली हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। दोस्तों स्टाइल्स अपने करियर के पीक पर थी। 9 नवंबर 2017 की सुबह स्टाइल्स इस दुनिया को अलविदा कह गईं जब उनकी मां ने स्टाइल्स को बिस्तर पर मृतक पाया। दोस्तों स्टाइल्स अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों ऐसे ही बायोग्राफिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। So I hope everybody can come and join me and just keep checking out for some great new releases and some movies. This is Shyla Styles once again for Zero Tolerance.